उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दी, अपडेट दे दी। ऑपरेशन को पूरा होने में अभी समय लग सकता है। देखिए, इंतजार अब मजदूरों को करना पड़ेगा, जो 41 मजदूर इस टनल के अंदर, इस सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। कहा यह जा रहा था कि कल रात तक उनको बाहर निकाल लिया जाएगा, अब कोई बीच में बैरियर नहीं आने वाला है। लेकिन एक बार फिर से जो रेस्क्यू का काम है वो रुक गया है, तकनीकी खराबी की वजह से ये जो काम है उसे रोक दिया गया है। ड्रिल मशीन को बाहर निकालने में समय लगेगा, क्योंकि आपको बता दें कि जो ऑगर मशीन, जो ड्रिल मशीन है, उसके सामने लोहे जैसी कोई चीज आ गई थी और यही वजह रही कि काम को रोकना पड़ा। तो समय लग सकता है अभी फिलहाल उन मजदूरों को बाहर निकालने में। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम का पाइप प्लान अब फेल हो गया है, ऑगर मशीन के क्षतिग्रस्त ब्लेड को भी काटा जाएगा। ड्रिल मशीन को बाहर निकालने में समय लगेगा। देखिए, ऑगर मशीन जो कि अभी फिलहाल क्षतिग्रस्त उसका ब्लेड हो गया है, उसे काटा जाएगा और उसे बाहर निकालने में भी, चूंकि वो सुरंग के अंदर है, उसे बाहर निकालने में समय लगेगा। वर्टिकल ड्रिल के लिए हैवी मशीन लगाई गई है, हैवी मशीन की क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की है। फिलहाल पाइप प्लान में कोई काम नहीं हो रहा है। तो तमाम यहां पर विकल्प जो हैं वो रखे गए थे कि अगर एक विकल्प नहीं होता है तो दूसरे विकल्प के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन एक एक करके जो विकल्प हैं वो फेल होते जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए, ऑगर मशीन जो कि यूएस से मंगवाई गई, विदेश से मंगवाई गई, अब ऐसे में ऑगर मशीन में भी दोबारा खराबी आ चुकी है। तो रेस्क्यू टीम का पाइप प्लान फिलहाल फेल हो गया है, ऑपरेशन को पूरा होने में अभी और समय लग सकता है। रेस्क्यू टीम का पाइप प्लान फेल हुआ, ड्रिल मशीन को बाहर निकालने में भी अभी समय लगेगा। टनल में काम कर रहे क्षतिग्रस्त ऑगर मशीन की तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीरों में मशीन को ब्लेड से कटे, उसकी जो ब्लेड है वो कटे हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। मशीन के ब्लेड कटे हुए नजर आ रहे हैं, ऑगर मशीन के ब्लेड जो है वो फंस गए। ये देखिए, ये ब्लेड जो है वो फंसे जब अंदर टनल को काटा जा रहा था, जब वहां से जब रास्ता है वो बनाया जा रहा था ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जाए, लेकिन उसी के दौरान कुछ लोही नुमा जो चीज है वो इसके सामने आ जाती है, ब्लेड में फंस जाती है और ब्लेड कटे हुए नजर आ रहे हैं। तो मशीन के ब्लेड कटे हुए नजर आए। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन है आज, लेकिन मजदूरों को निकालने का प्रयास फेल साबित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की सिलकेरा बैंड इसे टनल पर रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन है और जिन 41 लोगों को निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो 41 लोग आज भी वहीं हैं जहां पहले दिन थे। तमाम तरह के प्रयोग हो चुके हैं, विज्ञान पूरी तरह से इस समय विज्ञान और टेक्नोलॉजी हाशिए पर आ गई है, मंदिर की स्थापना भी हो गई है, भगवान भी उठे हुए हैं और ये अभियान आगे नहीं बढ़ रहा है। 10 मीटर की दूरी पर वो 41 लोग हैं जिनको निकालना है, लेकिन 10 मीटर की दूरी तय करने में 3 दिन से अमेरिकन ऑगर मशीन को पसीने आ गए हैं। परसों शुरू हुई, बंद हो गई, 24 घंटे बाद कल फिर चली और फिर 2.2 मीटर अंदर पाइप धकेलकर फिर बंद हो गई। अमेरिकन ऑगर मशीन के फंसने पर यह हुआ कि अभियान फिर बीच में रोक दिया गया, मशीन अब तक नहीं चली और उसको जब अंदर ये देखने का प्रयास हुआ कि यहां पर किस तरह की हर्डल आई है, कोई हार्ड मेटल तो नहीं है, उसको निकालने के लिए जब ऑगर को निकालना शुरू किया, ऑगर अंदर फंस गया। ऑगर के अंदर फंसने के बाद फिर ये स्थिति बन गई कि उसको जब खींचा तो मशीन की सॉफ्ट टूट गई और उसको फिर वापस लाने के लिए अब बहुत सारे टेक्नीशियन लगे हैं, बहुत सारे श्रमिक लगे हैं कि उस फंसे हुए ऑगर को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में निकाला जा रहा है। उसके बाद जब ये आज पूरे आधा दिन तक अगर ये काम निबट जाता है तो गनीमत है, फिर उसके बाद वो हार्ड मेटल कौन सा है उसको जाकर के देखा जाएगा कि वो किस तरह का है, उसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी तो ठीक है, अन्यथा एक और फार्मूले पर विचार हो रहा है कि यहां से उसको कटिंग करके और आगे भविष्य में ऐसी ऑगर मशीन इस तरह से ना फंसे तो मैनुअल भी कुछ करा के देखा जाएगा कि कुछ खुदाई मैनुअल भी हो सकती है क्या, क्योंकि 10 मीटर का फासला बहुत नहीं होता। दूसरी तरफ जो वर्टिकल ड्रिल करने के लिए बहुत हैवी मशीन ओडिशा और गुजरात से मंगाई गई थी वो कल पहुंच गई थी और अभी एक सूचना मिली है कि उनको ऊपर ले जाया जा रहा है, वर्टिकल ड्रिल पर भी काम शुरू हो गया है। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग का सबसे कमजोर पक्ष यह है कि प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे ने बताया था कि 5 प्लान पर काम शुरू होगा, लेकिन 5 प्लान पर काम शुरू तो हुआ लेकिन वो बीच में ही होल्ड कर दिया गया। मैनेजमेंट को ये उम्मीद थी, सरकार को ये उम्मीद थी कि सबसे पहले यही प्लान कारगर
हो सकता है, और मजदूरों को निकालने की जल्दबाजी ने इसको बार बार फेलियर के मुहाने पर खड़ा कर दिया। अब हॉरिजेंटल ड्रिल भी बंद है, वर्टिकल ड्रिल आज शुरू करने की बात कही जा रही है, कब तक वो शुरू होगी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम से थोड़ी दूरी पर खड़ा है और 3 दिन से एक कदम भी नहीं बढ़ा। अब देखना यह होगा कि ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ता है, कब तक ये सक्सेसफुल होता है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सिलक्यारा बैंड से अजीत सिंह राठी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग